अपनी गुआंढन भोली भी आई हुई है मत्था टेकन हो बैठी है सामने पीले रंग की चुन्नी लैके होर ना कि जाके अपन नूहां नूं फड़का देवे ना चुगली करन दी आदत है थोड़ी जी अच्छा नेड़े रह कंधां दे भी कन्न आउंदे है चार किले अपने हिस्से दी हाँ चार पीए बारह अपने कोल बारह किले पैली दे है अठ किले तां मुंडिआं ने लै जाणे चार किले जिहड़ी अपने हिस्से आउंदी है नेड़े रह कंधां दे कन्न होंदे आ मुंडिआं कोल ढोलकी घट रख भाई ओ चार किले अपने हिस्से दी जिहड़ी न्याई वाली पैली है इधर नाल नाल लगदी जिहदे पाणी जिहा खड़ा इधर चार किले अपने हिस्से दी पहली ठेके उत्ते चढ़ावांगे जावांगे मंजे बैठिक विच नाले टेलीविजन ल्यावांगे जावांगे मंजे बैठिक विच आपां छोटा जा रंगीन मर जाणीए टेलीविजन ल्यावांगे पता लगू सारी दुनिया दा ओए पता लगू सारी दुनिया दा लगू सारी दुनिया दा चित्रहार भी वेख्या करांगे ओए पता लगू सारी दुनिया दा ओ जिहड़ा पूरे जे वाला है ये खड़े जे वाला गोला मैं मक्कियां ही फड़दा हुंदा है जो भी आपां वेख्या करांगे मैनू तां गल जचगी नहीं क्यों हजे टेलीविजन आया नहीं पर दे जाइले नु सीसा ना का तो हुन मुह त्यार पूरे क्यों दाल चुकाउणो हट गई नहीं पूरे होमण जी का तो हुन मुह त्यार पूरे क्यों दाल चुकाउणो हट गई नहीं जिहड़ी तैनूं गल कही है समझ गई पक्की गल है शुक्र है हे परमात्मा मेरे घर वाली नूं अकल ताई चाहे धौले झाटे दी आई है शुक्र है परमात्मा शुक्र है इहदी इहदी तीजी अख खोलती परमात्मा जड़ दी गल अज रखी वाह मुख्तियार कौर उदो भाई बोलियां पाउंदी हुंदी सी इहने लै के ना मूंह च चुन्नी जी भाई इहने बोली पाई एक वारी अगे ठीक कर दस कदो ल्यावेंगा सूट नाल भी निकर क्योंकि जिहड़े साडे मुख मेहमान हुंदे इहनां दे इक दिहाड़ी दे विच कई वारी चार चार पांच पांच जगह इहनां ने जाणा हुंदा है
इन्हां दे वडेरे जिवें हुंदे आ असीं तुहाडा पूरा घर पूरा करके जावांगे, असीं पैसे लए असीं पूरा मुल मोड़ के जावांगे। ते मैं समझदा वी बीबी जगीर कौर जी ने जाणा है, आपां उहनां नूं पहलां समां देईए, आपां गाणे तुहाडे लई सुणदे जावांगे। थैंक यू सर, इन्हां दे बहुत बहुत धन्नवादी हां कि अपना कीमती समां कढ के ओह इत्थे आए। हेलो जो पूरी कर रही है परमस्कार जो बीबी जगीर कौर जी अपने कर कमल नाल सरदार सुखविंदर सरदार सुरिंदर सिंह जी पड्डा रिपोर्टर पंजाबी योद्धा अखबार कनेडा वाले वो करनगे। इन्हां दे नाल ही साडे सरप्रस्त इस मेले दे सरदार सरनजीत सिंह पड्डा सरपंच कौमी जनरल सकत्तर अकाली दल पंजाब साडे पंचायत मैंबर बीबी जगीर कौर जी बेनती है कि पिछे मैट विषय हम दरिया विषय बैठ जाओ, ये प्रोग्राम अजे काफी देर चलना है। जोरदार ताड़ियां बीबी जगीर कौर जी, मीत प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उनके नाल सुरेंद्र सिंह जी पड्डा प्रेस रिपोर्टर योद्धा पंजाबी कनेडा और गुरमीत कौर जी और बख्शीर सिंह जी ब्लॉक समिति चेयरमैन और करम सिंह जी होसन लाल जी पट्टी ट्रैफिक इंचार्ज कपूरथला होसन लाल जी पट्टी साहब ट्रैफिक इंचार्ज कपूरथला जोरदार ताड़ियां मार दो क्योंकि मान सम्मान हो रहा है अज दिया महिला शख्सियतों का। शरणजीत सिंह जी सरपंच साहेब और बेनती करेंगे मास्टर सुचा सिंह जी जो कि मुख्य प्रबंधक ने और मास्टर मलकीत राज जी बलवंत बबी जी स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान साहब उन्होंने बड़े धनवादियाँ बहुत सारा मान भेज रहे हैं और करम सिंह जी पट्टा लंबरदार साहब लखन के पट्टा तो बहुत सारा मान और इस तो अगली कार्रवाई जो साढ़े सरकारी हो बाबू मदन लाल जी सुरेंद्र सिंह जी पड्डा कनेडा वाले बीबी जगीर कौर जी उन्हें सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी जगीर कौर जी जिला परिषद बीबी जगीर कौर जी गुरमीत कौर जी का धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत बहुत बख्शी राम जी तिलवा हुसन लाल जी पट्टी ट्रैफिक इंचार्ज बीबी जगीर कौर जी उन्होंने सम्मान कर रहे हैं, सरोपा पेंट कर रहे हैं। सरदार अच्छा जोड़ी साड़ी गायक जोड़ी भुपिंदर गैल अते मिस नीलम नू सम्मानित कर रहे हैं बीबी जगीर कौर जी। नहीं नहीं लोड हरप्रीत धारीवाल सम्मानित कर रहे हैं हरपीत सिंह धारीवाल
ਪਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੈਨੇਡਾ पत्रकार मान करम सिंह पटा मलकीतराज मास्टर मलकीतराज जी बख्शी सिंह मेंबर पंचायत मलकीतराज मेंबर पंचायत सरबजीत सिंह मास्टर सुचा सिंह जी बीबी अमनजीत कौर मेंबर पंजाब सुखविंदर कौर हेलो हेलो सो एक विशेष सम्मान मदन भारद्वाज स्वदेशी जागरण मंच भारतीय जनता पार्टी प्रधान जिला कपूरथला और प्रधान दोधी यूनियन जलंधर प्रेस सकत्र दोधी यूनियन पंजाब उन्होंने सम्मान होया। अगली कार्रवाई मदन लाल जी संबोधन करेंगे अपने विचार पेश कर परम सत्कारयोग संगीत की दुनिया का आनंद मान रहे प्यारे वीरों भैन भरावो लखड़ के पंडा के इलाके के पतवंत सज्जन फतेह अज है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान ऐसा देश है जिस देश के अंदर हर धर्म हर वर्ग के लोग संगीत की दुनिया नाल जुड़े हुए हैं। पंजाब की धरती खास करके 80% लोग पिंडा विच रहिंदे हन। पंजाब की धरती के उत्ते सभ्याचारक तौर के उत्ते यह बहुत प्रसिद्धि है कि इसका सभ्याचार बड़ा महान है। भावें वह गायकी के पक्ष तो होवे भावें वह लोक नाच के पक्ष तो होवे लोक गीतों नाल भरपूर है पंजाब की धरती। अपने पंजाब का सभ्याचार हमेशा ही लोगों विचों पेश करती है। मैं समझती हूँ कि जिथे सानू प्रभु के चरणों में बैठ के रब के गीत बाणी राही गा के जीवन का फलसफा प्राप्त होंगे उत्थे जीवन दिया समाजिक तौर के उत्ते रीतियां रिवाज रहना सहना अते साडे सभ्याचार जुड़न का एक बहुत वड्डा लोक गीतां राही लोगों नूं सुनेहा दिता जांदा है। कई बारी स्टेजां दे उत्ते बड़ी लच्चर गायकी पेश कीती जांदी है वो लच्चर गायके दे नाल पंजाब दा सभ्याचार खत्म हो जांदा है क्योंकि पंजाब की सभ्यता बड़ी महान है। इत्थे कुरबानियां विचों सभ्यता पैदा हुई पंजाब की अणख गैरत विचों सभ्याचार पैदा होया पंजाब की गौरवमई रहनी सहनी विचों सभ्याचार पैदा होया पंजाब की एक महान बोली विचों पंजाब की महान सोच विचों सभ्याचार पैदा होया। मैं समिति को लोगों की अपनी गायकी राही लोगों सामने पेश करते हैं वो एक बहुत बड़ा समाज में योगदान पाती है कि सभ्याचार किस तरह महान किया जा सकता है किवें इस सुधारिया जा सकता है
ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਨੀਲਮ ਜੀ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੀਲਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ, ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਾਇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਢੂ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਦਰੀ ਛੋਟੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੁੰਦਰੀ ਛੋਟੀ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਜੀਤ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੁੰਦਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੀਲਮ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਨੀਲਮ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਲੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੋਕੇ ਕੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਕੀ, ਗਹਿਣੇ ਕੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡੋ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ, ਪਾਲੋ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੜੇ, ਨਾ ਲੜਾਈ ਪਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲੇ ਨੀਲਮ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੁਖੀ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਕਾਰ ਪਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਪਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ, ਨਾ ਕੰਠੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਨਾ ਸਰਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਤੇ ਨਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮੁਕਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੱਡਿਓ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਰੌਣਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਡਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਰੌਣਕ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀਰ ਦਾ ਲੇਖੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਡਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
अभी कहते अनाउंस भी कर दो पहले ही मदन लाल जी ने कर एक लाख रुपया क्लब वास्ते मैंने कहा भी भेज देनी है बिचे मुंदरी बन जू बिचे लहंगा बन जू बिचे तेरी धोती बन जू सारा कुछ काम खत्म हो जाए एक लाख रुपया तो इस खुशी दिता जाएगा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी जोरदार ताड़िया बीबी जगीर कौर जी मीत प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने वालों दो सरोपा भेट करना है महंगा सिंह जी एस जी ओ साहेब ताड़ियां मारदे खुल के भजन सिंह सोहन सिंह सरबजीत भजन सिंह जी सोहन सिंह जी और सरबजीत सिंह जी उन्होंने भी सरोपा भेट करना है और प्रताप सिंह जी सुखदेव सिंह जी सुखा हरभजन सिंह जी क्योंकि सारी पंचायत पंचायत मैंबरों के सहयोग के नाल प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल और स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग के नाल ये मेला हो रहा है इलाके तो सुखा जी उन्होंने बेनती है सुखा जी जोगिंदर सिंह जी संधु साहब जोगिंदर सिंह जी संधु साहब उन्होंने भी और सरबजीत भाजी उन्होंने बेनती है कि वह भी अपना सरोपा हासिल करन सरबजीत सिंह जी बाकी बाहर इंटरवल करके दे दियो ते उन्हें सर बाबा सिंह जी झाड़ी प्रधान सबका मेंबर पंचायत 5000 रुपया श्री चरणजीत कुमार रिंकू मालपुर तेरा मदन प्रधान 5000 रुपया सोहन सिंह सबका सरपंच 5000 रुपया सरदार संतोख सिंह सफेद पोश 5000 रुपया सरदार हरभजन सिंह 5000 रुपया सरदार मेजर सिंह इटली वाले 5000 रुपया सरदार सरबजीत सिंह कुकू 5000 रुपया बलवंत सिंह बग्गी प्रधान स्पोर्ट्स क्लब इन्हों का भी बहुत ही ज्यादा सहयोग है सानू और बहुत सहयोग के कारण पूरे मैंबर ने इतने सानू सहयोग दिता वास रोशन लाल 5000 रुपया मिस नीलम एंड पार्टी रोपड़ इस प्रोग्राम में कल नूं पेपरां दे विच चार चन लाउणे आ जिन्हें साडे पत्रकार आए सारे भरावां नूं सति श्री अकाल सो लो जी प्रोग्राम आपां अगे तोरीए गाणा तुहाडी सेवा च पेश करदे आ गाणे सानूं दो तीन गाणे दीआं फरमाइशां आ उह तुहाडी सेवा च पेश करिए हाँ जी गाणा पेश करदे आ साडी आई हुई कैसेट दा रिकॉर्ड गीत जिहनूं तुसीं बहुत ज़्यादा पसंद करिआ गीत नूं वेख लखण के पट्टे दे विच वी न्याणे वैसे यार काफ़ी है अपना लपड़ा पवा तो दो दिन मूँह धोने पता लगता फिर सा चिंटू आ बैठा क्योंकि यही जे बच्चे है इन्होंने ही पढ़ लिख के किसी ने इलाके का थानेदार लग जाना है किसी ने छपाही भर्ती हो जाना है तो किसी ने इलाके का मंत्री बन जाना है तो कोई बंदा इन बच्चों के बड़ा हो के बाहरले मुल्क जाऊगा फिर उतो पैसा भेजा करूगा फिर आप मेला होर बड़ा करवाया करेंगे तो आह तो मेला काले कछाने का सरदार बनूगा बैठा ना पुत गवर्नमेंट इतने अपने कोल हैगी देख ला हाँ कुटते बहुत ज्यादा वो पुत गलत काम नहीं करने हाँ की गल यकीन नहीं आता पुत ताड़िया मार के दिखा दो पिछले बंद थोड़ा तो यकीन ही नहीं आता बच्चों के हजे भी यकीन नहीं आता पुत बह खड़िया करके ताड़िया बजा दो थोड़े तो यकीन नहीं है उन्होंने की गल हजे भी यकीन पुत चीका मार के दिखा दो एक बार सारे वाह भाई मैनू ऐसे भी चीका तुम नहीं मारो यार तुम तो न्याणे दे रहे चीका पुत ऐ नहीं गलत काम नहीं करना गर्मी का टाइम है होर ना कि गड़बड़ बजे रेडी हो भाई गाना तुहाडी सेवा पेश करते हैं किहड़ा भाई बटुआ एक बंदा अपने सहुरी जाता है मेल वाले दिन दो तरह की दारू पी लैंदा देसी ते अंग्रेजी फिर जनानियों के सोहना मोरनियों को भंगड़ा पाँदा कोई हटाऊंगा भी नहीं होता भी घर का जवाई है कि माड़ी जी गल तो रुस ना जाए भाई परौना है सिर का ताज है आपे थक के बाण दे मंजे ते बह जूगा ना भाई ना ना बंदा सौरी गया वा माँ के पुत ने डिप डोले जे खाते खाते ने बटुआ कढ़ लिया
साली के उत्तों की टक 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 करके कोरे कोरे लोड सुटन लग गया। साली वेखदी है बू मैं मर जा नी कि कंजूह जीजा अगे दुखी नहीं खर्चता अज कि पौगा पी के मेरे नाल भंगड़े पाऊंगा फिर। साली अपनी जीजे नूं कहिंदी है नचदी मैं हुण तैनूं लगदी प्यारी वे दारू दे सरूर विच नोट जाना वारी वेखी झुग्गा चौड़ा अपना करा दी बोझी ना वेख के सवेरे जीजा खाली होए बटुए नूं तोरी वांग मूह लमका के बैजी ना ना साली जीजे नूं टिचरां करदी है अग्गों जीजा ओह माझे दा जट बंदा चाके डब्बियां वाला चादरा कहिंदा खुल के नच नोटां दियां ढेरियां ला दूं। लो जी जीजा ते साली किहदे च किवें नचदे की तरह मैं ते बीबा मिलो रेडियो मुंडियो हांजी 1 2 3 आईशा ਨੱਚੀ ਮਾਰੀ ਆਉਂਗਾ ਨੂੰ ਹੁੜਦੇ ਜੀ ਕੇ ਆਏ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਆਸਾਈਏ ਨੱਚੀ ਮਾਰੀ ਆਉਂਗਾ ਨੂੰ ਹੁੜਦੇ।